हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो चीज़ों से बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश बनाएंगे, जैसे कि ये चाशनी और ये दूध। ये दो इंग्रेडिएंट हैं जो मैं इससे बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी आज स्वीट डिश बनाऊंगी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसी डिश जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधा लीटर ये दूध लिया है, इसको बॉयल होने के लिए रखा है। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम फुल रखा है और एक अच्छा उबाल आने तक हम इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे। तो दूध में अच्छा उबाल आ गया है, यहाँ पे हम गैस को मीडियम कर देंगे और इसे गाढ़ा होने देंगे। जब तक ये दूध गाढ़ा होगा तो इसमें लगभग हमें 20 से 25 मिनट लग जाती हैं। ये दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो बस इसको जो है हमें गाढ़ा होने तक ही, तो हमने इसको थोड़ा सा गैस को कम कर दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे चाशनी। ये चाशनी हमारी बची हुई रसगुल्लों की बची हुई चाशनी है। तो ये बची हुई चाशनी से हमने ये बहुत ही डिलीशियस स्वीट डिश बना के तैयार की है और ये डिश आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो बस यहाँ पर आप इस जगह पर इसमें आप डाल सकते हैं अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सिर्फ चिरौंजी। चिरौंजी के साथ आप इलायची डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। इलायची पाउडर और चिरौंजी दोनों साथ में डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये हमने डाल के मिक्स किया और बस थोड़ी देर चलाएंगे इसको। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे नारियल का बुरादा। तो यहाँ ये मैंने लो फ्लेम कर दिया है और इस पे हम डालेंगे नारियल का बुरादा। ये मैंने आधा कप नारियल का बुरादा लिया है, इसको भी मिक्स करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करने के बाद इसका हमें इतना अच्छा टेक्सचर आ गया है इसमें, तो हम इसको बस एक बार चेक करेंगे कि ये कैसा जमने की स्थिति में है या नहीं। तो बस फ्रेंड्स ये देखिए, बहुत ही अच्छा ये गाढ़ा काफ़ी हो गया और मुझे लग रहा है ये जमने की स्थिति में। हम चेक करके देख लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा मिक्सर एक प्लेट में लिया और ये ठंडा होने देंगे और बस अब देखते हैं। हाँ, ये एकदम जमने की स्थिति में आ गया है, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और इसको इस तरह से फैला के तैयार करेंगे। आप इसे किसी भी मोल्ड में ले डाल के इसकी शेप दे सकते हैं। तो बस क्योंकि हमें, मुझे इस मिल्क केक को पेड़ी की शेप में कट करना है। तो ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट, एकदम बढ़िया। बस थोड़ी सी हम इसको शेप और दे देंगे अपने हाथों से। बहुत ही परफेक्ट पेड़े बन के तैयार हुए हैं मिल्क केक के। और ये स्वीट डिश आपको बहुत पसंद आने वाली है फ्रेंड्स। तो इस स्वीट डिश को आप बनाकर तैयार करें अपने घर पे। और ये मैं कई बार बना चुकी हूँ, मेरी फैमिली इसे बहुत पसंद करती है। और जब भी मैं इस तरह से मिल्क केक बनाती हूँ तो इस तरह से मिल्क केक को आप अपने घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें हमें किसी भी तरह का नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। बस फ्रेंड्स आप चाशनी की जगह चीनी यूज़ कर सकते हैं, आधा कप चीनी यूज़ कर लें आधा लीटर दूध में, और ये बहुत परफेक्ट बन के तैयार होती है। उम्मीद है आपको ये स्वीट डिश बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये पसंद आती है तो अपनी सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।